हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द थर्ड डे ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द जीनम लेटर एंट्री कोर्स, जिसका फाइनल सीट मैट्रिक्स जेके बोपी ने कल प्रीवियस डे को ही, तो येस्टरडे उन्होंने शाम को रिलीज़ कर दिया था। और बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज़ आई हैव नॉट मेक ए वीडियो ऑन डैट पर्टिकुलर सीट मैट्रिक्स। तो जो लोग आज जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए जीएनएम लेटर एंट्री के लिए, तो मैं अभी 9:30 तक उनका रिपोर्टिंग टाइम है, तो मैं अभी मॉर्निंग में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। सॉरी फॉर द डिले। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो काउंसलिंग जो आज होगी फॉर द थर्ड डे, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो बख्शीनगर हो, अखनूर हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, कुपवाड़ा हो, श्रीनगर हो, कुलगांव हो, पुलवामा, ठीक है, अनंतनाग एंड बारामूला, यहाँ पर सीट्स की अवेलेबलिटी अब नहीं रही ओपन मेरिट में। स्पेशली अब ये देख सकते हैं सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। कैटेगरी में अभी भी स्टिल फोर सीट्स आर अवेलेबल। और कैटेगरी का मैं आपको बता देता हूँ कि बख्शीनगर जम्मू में एक सीट अवेलेबल है, और ये जो वन सीट अवेलेबल है ये ALC या इंटरनेशनल बॉर्डर की है, ठीक है, इसमें एक सीट अवेलेबल है। और आपका श्रीनगर में भी कैटेगरी की दो सीटें अवेलेबल हैं, जिसमें वन ALC है और वन CDP है, ठीक है। उसके बाद बारामूला में भी एक कैटेगरी की सीट अवेलेबल है, तो वो CDP की है। तो आप इसको देख सकते हैं कि टोटल फोर सीट्स आर अवेलेबल फॉर टुडे काउंसलिंग एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, सिर्फ कैटेगरी की हैं। और ले के लिए एक सीट रिजर्व जो थी वो कठुआ में एक अवेलेबल है और अनंतनाग में एक अवेलेबल है, तो दो सीटें इनके लिए रिजर्व हैं ले कैंडिडेट्स के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर मैं बात करूँ और सबसे लेटेस्ट जो चीज़ निकल के आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट है, सरप्राइजिंग है, कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। एक लेटेस्ट सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए एज़ पर द सीट मैट्रिक्स, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, तो ताकि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए क्लियरली कि आपका आज का सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आप इसको कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, किस कॉलेजेस को आप अपने काउंसलिंग फॉर्म पे टॉप प्रायोरिटी दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जम्मू के जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें AV इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर तो कोई सीट अवेलेबल नहीं है। रामबन में यहाँ पर 5 सीटें हैं, यहाँ पर गंग्याल में 4 सीटें रह गई हैं, चट्ठा जम्मू में 6 सीटें हैं, बलवाल जम्मू में 5 सीट्स आर देयर, गंग्याल जम्मू में 13 सीट्स, सुंजवा में 0 सीट, गंग्याल जम्मू में 6 सीट्स आर अवेलेबल ओनली, एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कोटवाला जम्मू, यहाँ पर 10 सीट्स आर देयर, ठीक है। फिर राजबाग की बात करें, राजबाग कठुआ, यहाँ पे 4 सीट्स आर अवेलेबल, बटोत में 13 सीट्स आर देयर, कालीबड़ी जम्मू में 6 सीट्स आर देयर, कठुआ 12 सीट्स आर देयर, उधमपुर 2 सीट्स, अखनूर 5 सीट, सैनी कलोनी 10 सीट आर अवेलेबल फॉर टुडे, देन अनदर कॉलेजेस देयर ऑफ कठुआ, उसके लिए भी 9 सीट्स आर अवेलेबल है। बड़ी ब्राह्मण में भी आई थिंक 9 सीट्स आर देयर फॉर टुडे काउंसलिंग। शास्त्री नगर जम्मू में आपका 10 सीट्स आर अवेलेबल, भद्रवाह में 6 सीट्स, डोडा में 2 सीट्स आर अवेलेबल, जम्मू में 16 सीट्स आर देयर, IGES इंस्टीट्यूट में 16 सीट्स आर देयर, सुरनकोट में 5 सीट्स आर देयर, उसके बाद यहाँ पर 6 सीट्स आर देयर, बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में अनदर इंस्टीट्यूट देयर 3 सीट्स, चट्ठा जम्मू 11 सीट्स, डिस्ट्रिक्ट सांबा 1 सीट, गुरुग्राम जम्मू 2 सीट, और आपका राजबाग कठुआ में 10 सीट्स, गंग्याल जम्मू 9 सीट्स, और पैरामेडिकल साइंसेज जम्मू में 4 सीट्स आर देयर। उसके बाद हम बात करें तो किश्तवाड़ में 13 सीट्स, सैनी कलोनी 5 सीट्स,
सुनकोट पुंछ 6 सीट्स, कठुआ 5 सीट्स, फिर उसके बाद बलवाल जम्मू कोई सीट नहीं है, सांबा 5 सीट्स, बंतला 11 सीट्स और कठुआ में 1 सीट इज़ देयर। उसके बाद सुंजवा जम्मू में 9 सीट्स आर देयर, मीरासा 15, रजौरी 16, उसके बाद सैनिक कॉलोनी जम्मू 0 और डोडा में 8 सीट्स। तो 340 सीट्स आर देयर जो अवेलेबल है आपकी, ठीक है, जम्मू डिवीज़न के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, नाउ द सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दिस कि जम्मू डिवीज़न में 340 सीट्स आर अवेलेबल फॉर टुडे काउंसलिंग। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करो, गवर्नमेंट में तो ओपन मेरिट में 0 सीट्स आर अवेलेबल, कैटेगरी में आई थिंक 2 to 4 सीट्स आर अवेलेबल ओनली, और जम्मू में 340। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा आज का कि जितने भी कश्मीर के कॉलेजेस हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के, कश्मीर डिवीजन को जो बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कोई सीट अवेलेबल ही नहीं है। मोस्टली कॉलेजेस फुल हो चुके हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कुलगांव, बांदीपुरा, कश्मीर, श्रीनगर, बाईपास, बड़गांव, पुलवामा, अनंतनाग, श्रीनगर, टनमर्ग, श्रीनगर, ये देखिए सीट्स आर ज़ीरो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सोपुर, यहाँ पे बारामूला, यहाँ पर भी बारामूला, अनंतनाग, ठीक है, श्रीनगर, श्रीनगर, कुपवाड़ा, कश्मीर, बांदीपुरा, ठीक है, पुलवामा, और ये कश्मीर लास्ट में, यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है आपके सामने। आप ये आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कोई सीट अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, सब में सीट ज़ीरो हो चुकी हैं। ये देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे, फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे एसटी जोसेफ स्कूल नर्सिंग बारामूला, शोपियाँ कश्मीर, ठीक है, कुलगाम, फिर यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, पुलवामा, यहाँ पे कश्मीर, कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कश्मीर में 0 सीट्स आर अवेलेबल। मैं भी लास्ट ईयर में कब से हर एक काउंसलिंग में बोल रहा हूँ, या हर एक जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ अपना, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन कश्मीर डिवीज़न में रहता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू डिवीज़न। देखिए मतलब गवर्नमेंट सीट्स के लिए तो दोनों के लिए ही इक्विवेलेंट कंपटीशन है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी जो सीट्स फिलअप होती हैं सबसे पहले, वो कश्मीर डिवीज़न की सबसे पहले फिलअप होती हैं। अब जो लोग कश्मीर डिवीज़न के को बिलोंग करते हैं और आज काउंसलिंग में जा रहे हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन है, यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इन जम्मू डिवीज़न, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पर सीट आराम से मिल जाएगी। आज के लिए 300 समथिंग सीट्स आर देयर, तो आप ऑप्ट फॉर द जम्मू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, गो फॉर इट, डू नॉट हेजिटेट, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ। बस यहाँ पर आकर उस पर्सनली उस कॉलेज में को विज़िट कर लीजिए, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं, लैब फैसिलिटीज़ क्या हैं, मैनेजमेंट से एक बार मिल लीजिए, ठीक है, पर्सनली, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लीजिए। लेकिन काउंसलिंग में आप यू कैन ऑप्ट फॉर द कॉलेज, गो फॉर द कॉलेज जो आपको लगता है थोड़ा बहुत आपको ठीक लग रहा है और आपको उसके बारे में पता है ऑलरेडी, यू कैन, डू नॉट हेजिटेट, मैं वही बोल रहा हूँ, अपना साल मत वेस्ट कीजिए। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, लास्ट ईयर आज इस बार कट ऑफ 20 गया, नेक्स्ट ईयर क्या होता है कट ऑफ और ज़्यादा चला जाए, और ज़्यादा लोग कैंडिडेट आ जाए इसके एंट्रेंस में, तो यू आर नॉट श्योर अबाउट द नेक्स्ट ईयर, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन जम्मू डिवीजन। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्या पता इसका सेकेंड राउंड भी हो भी सकता है, चांसेस आर देर, लेकिन कोई पता नहीं, क्या पता गवर्नमेंट में कोई सीट खाली ना हो और जेके वो भी डिसाइड करे कि सेकेंड काउंसलिंग होगी नहीं। लास्ट ईयर भी एक दो कोशिश में ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे को एक पर्सनल एक फीलिंग ये आ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि सेकेंड राउंड हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही आज का अपडेट था, थोड़ा सा डिले हो चुका हूँ, अभी जस्ट अभी अपलोड करो, सुबह मॉर्निंग में 5:30 पे उठ के मैंने ये वीडियो शूट किया स्पेशली फॉर JNK कैंडिडेट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कहिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कोशिश करता हूँ हर एक आंसर का रिप्लाई, क्वेश्चन का रिप्लाई करने का, और JK वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।